हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दिए गए बहुपद के मूलों एवं गुणांकों में संबंधों का प्रयोग करके हम दिए गए बहुपद के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक प्रश्न लिखा है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि इस दिए गए बहुपद के तीन मूल, मूल मतलब शून्यक, यहाँ दिए गए बहुपद के तीन शून्यक R1, R2, R3 है। और हमें यहाँ साथ में यह भी बताया गया है कि दो शून्यकों का योग 1 है। और हमें इस प्रश्न में आए हुए इस k का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। साथ में हमें इस बहुपद के मूल भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले दिए गए बहुपद को लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ - 3x² + kx - 1, यह अपना दिया गया बहुपद है। और यहाँ इस बहुपद के तीन शून्यक R1, R2, R3 दिए हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, चूँकि R1, R2, R3 दिए गए बहुपद के शून्यक है, शून्यक को मूल भी कहते हैं। मतलब यहाँ R1, R2, R3 दिए गए बहुपद के मूल हैं। तो हम इन मूलों और बहुपद के गुणांकों में यहाँ संबंध लिख देंगे। अतः मूलों एवं गुणांकों में संबंध निम्न है। दिया गया बहुपद 3 घात का बहुपद है, अतः इसके तीन मूल और मूलों या गुणांकों में 3 संबंध होंगे। पहला जो संबंध होता है, उस संबंध में सभी मूलों का योगफल लिखना होता है, और यह सभी मूलों का योगफल -b/a के इक्वल होता है। ये जो b होता है, यह b x² का गुणांक होता है। बहुपद में x² का जो गुणांक होता है वह b होता है, और a जो होता है वह बहुपद के x³ का गुणांक होता है। बहुपद में x³ का गुणांक a होता है। मतलब यहाँ पर b का मान -3 है और a का मान 2 है। सभी मूलों का योगफल -b/a लिखना है, इसलिए हमने यहाँ माइनस ये b का मान लिखा और अपॉन में ये a का मान 2 लिखा। इस प्रकार हमें इस योगफल का मान 3/2 प्राप्त हुआ। इसको हम समीकरण 1 देते हैं। इसके बाद दूसरे संबंध में हमें प्रत्येक दो मूलों के गुणनफल का योग लिखना होता है। ये पहले और दूसरे मूल का गुणनफल लिखे हमने, यह दूसरे और तीसरे मूल का गुणनफल, उसके बाद पहले और तीसरे मूल का गुणनफल। प्रत्येक दो मूलों के गुणनफल का योग जो होता है वह c/a होता है। c जो होता है वह दिए गए बहुपद में x का गुणांक होता है, जो कि यहाँ k है, और a दिए गए बहुपद के x³ का गुणांक होता है। तो यहाँ पर c का मान k है और a का मान 2 है। तो यहाँ हमें c/a लिखना है, मतलब k/2 लिखना होगा। इसको हम समीकरण 2 देंगे। तीसरे संबंध में हमें सभी मूलों का गुणनफल लिखना होता है। ये पहला मूल इंटू दूसरा मूल इंटू तीसरा मूल लिख दिए, तीनों मूलों का गुणनफल लिख दिए। और इस संबंध का मान -d/a होता है। d जो होता है वह बहुपद का अचर पद होता है, और a x³ का गुणांक होता है। इसका मतलब यहाँ d का मान -1 है और a का मान 2 है। यहाँ -d/a लिखना है, मतलब -1/2 लिखना होगा। इस प्रकार R1 × R2 × R3 का मान यहाँ 1/2 प्राप्त होगा। यह समीकरण 3 होगा। अब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्न में जो शर्त दी है कि दिए गए बहुपद के दो मूलों का योग 1 है, उसको हम लिख देते हैं। दो मूल R1 और R2 का योग 1 लिख देते हैं हम। इसको समीकरण 3-4 देते हैं। अब हम इन चारों समीकरणों के प्रयोग से दिए गए बहुपद के मूल R1, R2, R3 को प्राप्त करेंगे। साथ में हम इस k का मान भी प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार दिए गए बहुपद को हल करेंगे हम।
तो इसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, हम समीकरण एक व चार से, हम समीकरण एक और चार का प्रयोग करके R3 का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम समीकरण चार से R1 प्लस R2 का मान समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में R1 प्लस R2 का मान लिखेंगे 1, तो हमें समीकरण एक से प्राप्त होगा 1 प्लस R3 इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से हम R3 इक्वल्स टू लिखेंगे 3/2 माइनस 1, अर्थात यहाँ हमें R3 इक्वल्स टू प्राप्त होगा 1/2। R3 का मान प्राप्त हो चुका है हमें। अब हम इस R3 के मान का प्रयोग समीकरण 3 में करते हैं। यहाँ लिखते हैं R3 का मान समीकरण 3 में रखने पर। छात्रगण ध्यान रहे, हमारा उद्देश्य दिए गए बहुपद के मूल और k का मान ज्ञात करना है। दिए गए बहुपद के मूल मतलब R1, R2, R3 का मान ज्ञात करना है हमें, और साथ में k का मान ज्ञात करना है। R3 का मान ज्ञात हो चुका है, R3 के मान का प्रयोग हम समीकरण 3 में कर रहे हैं, जिससे समीकरण 3 का नया रूप प्राप्त होगा हमें 1/2 R1, R2 और राइट हैंड साइड में है 1/2। इस समीकरण 3 में हमने R3 की जगह 1/2 लिखा, जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ। 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देंगे, जिससे हमें R1 इंटू R2 का मान 1 प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण 5 लिख देते हैं। अब हम R1 माइनस R2 को इस प्रकार लिख रहे हैं। R1 माइनस R2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 R1 इंटू R2। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर मिलेगा रूट के अंदर। तो रूट ऑफ R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर के से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें R1 माइनस R2 प्राप्त होगा। आप लोग हल करके देखना इसको, इसकी जब राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड R1 माइनस R2 प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। R1 माइनस R2 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो R1 माइनस R2 को हमने इस प्रकार लिखा है, रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 लिखा है। तो यहाँ R1 प्लस R2 की जगह हम R1 प्लस R2 की वैल्यू रख देंगे। R1 प्लस R2 का मान 1 था और उसका भी होल स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 का मान लिखते हैं। R1 इंटू R2 का मान हमने समीकरण 5 में प्राप्त किया है, उसका मान 1 था, तो R1 इंटू R2 का मान 1 लिख देते हैं। इस प्रकार R1 माइनस R2 का मान हमें यहाँ रूट ऑफ 1 माइनस 4 प्राप्त होगा, जिसको आगे हल करने पर हमें रूट ऑफ माइनस 3 मिलेगा। ये R1 माइनस R2 इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस 3 को हम रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। ये R1 माइनस R2 इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आयोटा होती है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ माइनस 1 होती है, साथ में रूट ऑफ 3 जैसे का वैसा, क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 लिखते हैं। दोनों साइड का अगर रूट ले हम, तो आयोटा स्क्वायर का रूट आयोटा होगा और माइनस 1 का रूट रूट माइनस 1 होगा। इस प्रकार रूट माइनस 1 आयोटा की वैल्यू होती है, इसलिए रूट माइनस 1 की जगह आयोटा लिखा। इसको हम समीकरण 6 देते हैं। अब हम देखो क्या करेंगे, ये अपना समीकरण 4 है और ये जो समीकरण हमने प्राप्त किया है यह अपना समीकरण 6 है। अब हम आगे हल करने के लिए समीकरण 4 और 6 को जोड़ देते हैं। यहाँ समीकरण 4 और 6 को जोड़ने पर
तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे पहले, ये समीकरण चार की लेफ्ट हैंड साइड और ये समीकरण छः की लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिए, अब राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को जोड़ते हैं। समीकरण चार की राइट हैंड साइड में वन लिखा था और इसके राइट हैंड साइड में है आयोटा रूट थ्री, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ दिए। अब इसको आगे हल करते हैं हम और आर वन और आर टू के मान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आर वन धनात्मक है, आर टू ऋणात्मक, प्लस आर टू से सॉरी यहाँ आर टू प्लस में है और यहाँ आर टू माइनस में, तो प्लस आर टू से माइनस आर टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आर वन प्लस आर वन टू आर वन। टू आर वन का मान प्राप्त हुआ हमें वन प्लस आयोटा रूट थ्री। यहाँ से हम आर वन का मान प्राप्त करेंगे, आर वन इक्वल्स टू होगा वन बाय टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री। आर वन का मान हम समीकरण चार में रखकर आर टू का मान प्राप्त करते हैं, आर वन का मान समीकरण चार में रखने पर, समीकरण चार देखो क्या था अपना, समीकरण चार था आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू वन, यह अपना समीकरण चार था। यहाँ हम आर वन के जगह आर वन का मान लिख रहे हैं, आर वन का मान है वन बाय टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री और ये प्लस आर टू लिख दिया हमने और इक्वल्स टू वन लिखेंगे। यहाँ से हम R2 का मान प्राप्त कर लेते हैं, R2 टू इक्वल्स टू होगा 1 माइनस वन बाय टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से R2 का मान प्राप्त होगा 1 माइनस वन बाय टू वन बाय टू होगा और यह माइनस आयोटा रूट थ्री बाय टू। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वन बाय टू ब्रैकेट ऑफ वन माइनस आयोटा रूट थ्री, वन बाय टू कॉमन ले लिए हमने, यह आर टू का मान है। इस प्रकार हमारे पास अब आर वन आर टू आर थ्री तीनों मान प्राप्त हो चुके हैं। आर थ्री का मान तो हम पहले ही प्राप्त कर चुके थे, उसके बाद यह आर वन का मान प्राप्त किया हमने और यह आर टू का मान, मतलब दिए गए समीकरण के तीनों मूल हम प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ लिखते हैं इस प्रकार दिए गए बहुपद के मूल है, तीनों मूल एक साथ लिख देते हैं, आर वन इक्वल्स टू है वन बाय टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री, आर टू का मान है वन बाय टू वन माइनस आयोटा रूट थ्री और आर थ्री का मान प्राप्त हुआ था हमें वन बाय टू। तो इस प्रकार हमने दिए गए बहुपद के मूल प्राप्त कर लिए। अब हमें के का मान प्राप्त करना है, क्योंकि प्रश्न में हमें के का मान ज्ञात करने के लिए भी कहा गया था। ये जो प्रश्न में के आया था दिए गए बहुपद में, ये जो के आया है इस के का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम उस समीकरण में r1, r2, r3 के मान रख देंगे जिस समीकरण में k है। समीकरण दो में k आया है इसलिए k का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण दो में r1, r2 और r3 के मान लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम r1, r2, r3 के मान, यहाँ लिखेंगे अब r1, r2, r3 के मान समीकरण दो में रखने पर। देखो समीकरण दो क्या लिखा है, समीकरण दो में लिखा है आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री इक्वल्स टू के बाय टू, ये अपना समीकरण दो था और इसी समीकरण में हम आर वन आर टू आर थ्री के मान लिखने वाले हैं। पहले आर वन का मान लिखते हैं, आर वन का मान था वन बाय टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री, फिर इनटू में आर टू का मान वन बाय टू वन माइनस आयोटा रूट थ्री प्लस आर टू का मान फिर से वन बाय टू। अच्छा देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, आर वन आर टू के मान बाद में रखते हैं,
यहाँ पर इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हम समीकरण दो से। समीकरण दो में देखो हम क्या कर रहे हैं, ये अपना समीकरण दो था। इस समीकरण में हम इस समीकरण के दूसरे और तीसरे पद में से हम R3 कॉमन ले लेते हैं। तो समीकरण दो इस प्रकार से लिखा जाएगा, फिर R1 R2 प्लस, जब हम दूसरे और तीसरे पद से R3 कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा R1 प्लस R2, और ये R3 कॉमन ले लिए, इक्वल्स टू K/2 होगा। यहाँ हमारे पास R1 R2 की वैल्यू भी है और R1 प्लस R2 की भी वैल्यू है। देखो हमने पिछले समीकरण चार में R1 प्लस R2 की वैल्यू लिखा है, और R1 इंटू R2 की वैल्यू भी है हमारे पास। समीकरण पाँच में R1 इंटू R2 की भी वैल्यू है। R1 प्लस R2 का भी मान एक है, R1 इंटू R2 का मान भी एक है। तो हम यहाँ पर दोनों के मान रख देते हैं, R1 R2 की जगह R1 R2 का मान लिख दिए 1, और R1 प्लस R2 का भी मान 1 लिखे हमने, और ये R3 इक्वल्स टू K/2। यहाँ से R3 इक्वल्स टू K/2 माइनस 1 प्राप्त होगा, या फिर इसको इस प्रकार लिखते हैं, 1 प्लस R3 इक्वल्स टू K/2। R3 का मान हमने प्राप्त किया था, और R3 का मान हमने 1/2 प्राप्त किया था, तो R3 की जगह 1/2 लिख देंगे, इक्वल्स टू ये होगा K/2। यहाँ से हमें 3/2 इक्वल्स टू K/2 प्राप्त होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो K इक्वल्स टू 3 प्राप्त होगा। और इस प्रकार हमारे पास अब K का भी मान प्राप्त हो चुका है हमें, और यह प्रश्न कम्प्लीटली हल हो चुका है। इस प्रश्न में हमें दिए गए बहुपद के शून्यक अर्थात दिए गए बहुपद के मूल ज्ञात करना था, जो हम यहाँ ज्ञात कर चुके, साथ में हमें K का भी मान ज्ञात करना था, और यहाँ K का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, K का मान 3 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दिए गए समीकरण के शून्यकों मतलब मूलों और गुणांकों में संबंध का प्रयोग करके दिए गए समीकरण को हल किया जाता है। अब इसके बाद हम अगली क्लास में देखते हैं, आज के लिए इतना ही।